और आपने जहाज में जाते हैं तो मजा ना आता ना, आता एक घंटे में हम पहुंच जाते हैं। आज का सफर इंडिया की जो ट्रेन है ना उसकी क्या ही बात है, ऐसे ही है। जो ट्रैक्स है ये असल में इतने अपडेटेड ट्रैक्स है कि देखें आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हिल नहीं रहे, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं लगेगी, ऐसे ही है। यही इंडिया की ट्रेन का सबसे बड़ा मजा है। अभी तो अगर आप राजधानी पर ट्रैवल करें या किसी और ट्रेन पर ट्रैवल करें तो वो, और जो इनकी लंबी ट्रेन हैं जिसमें आप बर्थ लेते हैं वो तो बहुत फंटेस्टिक है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है और कंफर्टेबल है। देखिए कितना गैप है सीट्स के अंदर, आप आराम से सीट टेक लगाएं और सो जाएं बेशक, क्योंकि 5-6 घंटे हैं तो उसमें या आप मूवी देख लें या कोई नॉवल पढ़ लें या बुक रीडिंग कर लें। अगर हम लंबा सफ़र करते हैं ना जिस तरह गोल्डन टेम्पल से ओवरनाइट जो सफ़र होता है वो तो बहुत ही फंटास्टिक है। अच्छा, वो मैं वैसे पहले नहीं किया, आपको इसीलिए सजेस्ट किया कि हम कलकत्ता से एक लंबा हमें ट्रैवल करना चाहिए ट्रेन, हमें पता लगे कि इंडियन रेल पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट रेल इंडियन रेल है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर ये नेटवर्क है रेलवे। नहीं जी, हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। ये देखें जी, मील दे रहे, ये मेरा एक और वीलॉग है कि कैसी जर्नी है, ये मील के लिए तैयारी हो रही है। ये देखें जी, ये मील रेडी है, सबको सीट के ऊपर पहले पानी की बॉटल्स दी हैं इन्होंने, अब ये मील दे रहे हैं। क्या कह रही इसमें, सैंडविच, समोसा, एलमोंड्स, नमकीन, स्वीट, टी, कॉफ़ी, ये सब आप सब करते हैं सर। ट्रेन में कॉम्प्लीमेंट्री? यस सर, कॉम्प्लीमेंट्री के साथ, ये टिकट के साथ। ये देखें जी, ये सर्व किया है इन्होंने, अब ये सीट्स पे देंगे। मैं ज़रा इनको थोड़ा सा, मैंने कहा इनका वीडियो बना लूँ, ये अब जा रहे हैं देने के लिए। देखें, और ये ट्रेन का हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त ट्रेन है, बड़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है, कहीं पर आपको किसी किस्म का कोई कचरा नज़र नहीं आएगा। ये देखें जी, अब मैं बाहर के भी आपको इसमें विजुअल दिखाऊंगा, ट्रेन गुजर रही है। ये देखें जी, ये जर्नी स्टार्ट है, स्टेशन्स आएंगे, मैं वो भी रिकॉर्ड करूंगा। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं चीज़ें आप तक शेयर करूं। ये छोटे छोटे स्टेशन्स हैं, शताब्दी ट्रेन है ये, बेंगलोर से चेन्नई, बहुत ही आउटस्टैंडिंग डस्टबिन भी है। ये इंडिया की ट्रेन जो है वो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्स होती हैं, बहुत कमाल का सफ़र होता है इस ट्रेन का। ये ट्रेन कैसी है? ट्रेन अच्छी है, मुझे अच्छी लगी है ट्रेन, कंफर्ट है, साफ़ सुथरी है, खुली है, और बाकी जर्नी कैसी रहती है ये तो एक्सपीरियंस जब शहर से निकलेंगे तब जाके पता चलेगा कैसी जर्नी है। मैंने सिर्फ ट्रेन के ऊपर मैं कर रहा हूँ कि ट्रेन्स, इंडिया की ट्रेन जो है वो बेस्ट ट्रेन है, जिससे मैं देखा पाकिस्तान में भी अच्छी ट्रेन आई हैं, इंडिया में ये खैर ट्रेन तो ये पुराने वाली है, लेकिन ये है कि जिस पाकिस्तान में ग्रीन लाइन बड़ी अच्छी ट्रेन है हमारी, कराची एक्सप्रेस मेंटेन की गई है, वो बड़ी अच्छी मेंटेनेबल लग रही है। सो फार सो गुड। 130 की स्पीड है जी, 130 किलोमीटर पर आवर। ये देखें जी, बड़ी वंडरफुल जर्नी, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें, बड़ा मज़ा आता है इंडिया की ट्रेन में, और इसीलिए हमने बस का और बाइक कार का सफ़र सेलेक्ट नहीं किया कि हम इंडिया की ट्रेन के अंदर बैठना चाहते थे। ये देखें, अभी खाना सर्व हो रहा है, बड़ा अच्छा ट्रेन सिस्टम है, बड़ा अच्छा ट्रैक सिस्टम है इंडिया का। ये देखें, ग्रीनरी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं साथ। इजाज़ भाई ने मुझे सपोर्ट दी है इन्होंने, इधर पैर रखे ज़रा इधर, ये देखे जी इन्होंने मुझे सपोर्ट दे दी है। कई ट्रैक्स हैं जी, ये देखें, हंड्रेड एंड थर्टी माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है जी, ये 6 घंटे में पहुंचाएगी हमें चेन्नई।
बड़ा ज़बरदस्त सफ़र है जी, बहुत कंफर्टेबल सफ़र है, बड़ी अच्छी सर्विस है ट्रेन में, बहुत ज़बरदस्त सर्विस। ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लड़कों ने सर्व किया है, सैंडविच, समोसा, बहुत गर्म सा समोसा था, बड़ी अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छी सर्विस। और उन्होंने पूरी ट्रेस जो हैं वो उठाई हैं, इवन के वेट टिश्यू भी उन्होंने दिया है ट्रे में। और टिकट भी कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, बड़ा चीप टिकट है और बड़ी लग्जरी ट्रेन है जिसमें हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं। आप देखें, आप ये देखें अंदर से ट्रेन के मनाज़र, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ट्रेन, बड़ा मज़ा आया इस ट्रेन में ट्रैवल करके। ये देखें, बाकायदा यूनिफॉर्म पहना हुआ है इन्होंने। मैं ज़रा इधर भी आपको दिखाऊँ, ये एक और बोगी है, ये देखें, ये भी एक और क्लास है, ये साफ सुथरे वॉशरूम्स, ये बहुत साफ सुथरे वॉशरूम्स, नीट एंड क्लीन, बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, इम्प्रेसिव। शताब्दी में पहले भी ट्रेवल किया लेकिन अब मैं भूल गया हूँ। राजधानी में मैंने दिल्ली से बॉम्बे का ट्रेवल किया है, गोल्डन टेंपल मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, लेकिन ये ट्रेन भी एक अच्छी ट्रेन है। वरदापुरा स्टेशन है, बहुत ग्रीन ग्रीन, लश ग्रीन देखे जर्नी है और बड़ा ज़बरदस्त। ये उस्मान मिठा साहब भी आए हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, इतनी ट्रैवलिंग हो गई है, ऑल ग्रीन है और बड़ा ज़बरदस्त, वंडरफुल। कैसा उस्मान साहब लग रहा है आपको? जबरदस्त सर, काफ़ी खुली डुली है और सीट्स भी बड़ी कंफर्टेबल हैं। ये हमारी वैसी सीट्स है जैसी पार्लर की टिकट होती है ना हमारी पाकिस्तान रेलवे में, बिल्कुल वैसी ही मुझे ये ट्रेन लगी है। और ये है कि यहाँ पे सर्विस भी बड़ी अच्छी है, उन्होंने मील दिए हैं हमें, ट्रैक बड़े अच्छे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि ज़्यादा वो हिलजुल नहीं हो रही हमारे वहाँ पर, थोड़ा सा इससे ज़्यादा, ट्रेन में तो वैसे होता ही है इतना, लेकिन वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये है कि अब हम चेन्नई जा रहे हैं, अब देखते हैं कि कितनी देर में, 6 घंटे का हमारा ये सफ़र है और बड़ा अच्छा रहा है। अभी हमने मील खाया है, एक मुख्तलिफ़ किस्म का बादाम वगैरह खाए हैं, फिर उसके बाद पिस्ता खाया है और एक सैंडविच समोसा भी खाया है हमने, तो ये बड़ा एक अच्छा लगा है हमें। और आपने जहाज में जाते तो ना आता ना, आता एक घंटे में हम पहुंच जाते हैं। आज का सफर इंडिया की जो ट्रेन है ना, उसकी क्या ही बात है, ऐसे ही है। जो ट्रैक्स हैं ये असल में इतने अपडेटेड ट्रैक्स हैं कि देखें आप ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, हिल नहीं रहे, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको डिस्टरबेंस नहीं लगेगी, ऐसे ही है। यही इंडिया की ट्रेन का सबसे बड़ा मजा है। अभी तो अगर आप राजधानी पर ट्रेवल करें या किसी और ट्रेन पर ट्रेवल करें तो वो इससे, अभी आप एक और हिसाब ये लगाएं कि हमारी जो बुकिंग थी वो 3 बजे की थी, 3 बजे हमारी बुकिंग थी, लेकिन रश इतना था ट्रेन के ऊपर, हमारी बुकिंग को शिफ्ट कर दिया, बुकिंग को शिफ्ट करना पड़ा ये 4 बजे वाली ट्रेन के अंदर। तो अब हम लोग जा रहे हैं और देखिए आप कितना अच्छा सिस्टम है, कंप्यूटराइज्ड लिस्टें हैं, जो लड़के यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं उनके व्हाट्सएप के ऊपर वो सारी लिस्टें आई हुई हैं, हमारे नाम लिखे हुए हैं और आगे लिखा हुआ है मील। मैं कहता हूँ कि 400-500 रुपये का तो मील है टिकट के अंदर, इतना अच्छा फ्रेश सैंडविच, गर्म समोसा, तो रियली बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ा है, इन्जॉयमेंट है, ये बातचीत भी जारी रहेगी, ये सफ़र भी जारी रहेगा, ऐसे ही है। अभी तो बड़ा लंबा सफ़र है, लॉन्ग वे टू गो। हम ये सोच रहे हैं कि जब हमने वापस बेंगलोर आना है तो ट्रेन पे, मैं तो आपको कह रहा था कि और जो इनकी लंबी ट्रेन हैं जिसमें आप बर्थ लेते हैं वो तो बहुत फंटेस्टिक। ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है और कम्फर्टेबल है। देखिए कितना गैप है सीट्स के अंदर, आप आराम से सीट टेक लगाएं और
सो जाएं बेशक, क्योंकि 5-6 घंटे हैं, तो उसमें या आप मूवी देख लें या कोई नॉवल पढ़ लें या बुक रीडिंग कर लें। अगर हम लंबा सफ़र करते हैं ना, जिस तरह गोल्डन टेम्पल से ओवरनाइट जो सफ़र होता है वो तो बहुत ही फंटास्टिक है। अच्छा, वो मैं वैसे पहले नहीं किया, आपको इसीलिए सजेस्ट किया कि हम कलकत्ता से एक लंबा हमें ट्रैवल करना चाहिए ट्रेन। हमें पता लगे कि इंडियन रेल पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट रेल इंडियन रेल है, क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर ये नेटवर्क है रेलवे। बिल्कुल जी बिल्कुल, और हम अब इसको विटनेस कर रहे हैं। बस आप दुआ करेंगे हम लोग खैर खैरियत से पहुंच जाए अपनी मंजिल पर चेन्नई, और फिर कल से हम आपको क्रिकेट से रिलेटेड भी अपडेट्स देते रहेंगे। वो क्रिकेट के फैंस भी है, पाकिस्तान टीम के फैंस भी है ये लड़के। अच्छा, बहुत सारे मुझे बता रहे थे कि बड़े फैंस हैं रिजवान के, शाहीन के, लेकिन साथ कह रहे थे कि परफॉर्मेंस अब अच्छी नहीं दे रहे। हमें परफॉर्मेंस अच्छी देनी चाहिए। सही बात है, हम लोग जर्नलिस्ट, हमें दुख हो रहा है, तो इन लोगों को, ये तो फैंस हैं तो इनको क्यों नहीं दुख होता होगा जब बाबर आजम जल्दी आउट हो जाता है, शाहीन अफरीदी को छक्के लगते हैं, हारिस रऊफ को छक्के लगते हैं, तो इन लोगों के भी दिल है, ये भी फैंस हैं, ये देखना चाहते हैं अच्छी क्रिकेट। ट्रेन का सफ़र भी है, क्रिकेट की गपशप भी है, और ये कंटिन्यू रहेगा जी। हमारा सफ़र रवा दवा है, ये अभी हमें खाने की ट्रे मिली है, ये था सैंडविच था, बहुत ही फ्रेश किस्म का समोसा था, चाय कॉफ़ी, ये चॉकलेट, टिशू है साथ, तो बहुत अच्छी जर्नी है, बहुत ज़बरदस्त, हमें मज़ा आ रहा है, बड़ी कंफर्टेबल ट्रेन है। और इधर मैं अपना वीलॉग ख़त्म करूँगा क्योंकि अभी जर्नी शुरू हुई है, मैं चाहता हूँ कि इस जर्नी में कम से कम 2-3 मैं वीडियोस करूँ, और जिस स्टेशन पे रुके वहाँ पे मैं जब भी पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करता हूँ तो जो स्टेशन होते हैं उन पर मैं ज़रूर खाता हूँ उतर के, तो यहाँ भी मेरी कोशिश होगी कि उस चीज़ का तसलसल बरकरार रखूँ और आपको दिखाऊं जो इंडिया के स्टेशन के ऊपर क्या क्या खाने को मिलता है, कितना डिलीशियस खाना होता है। तो ये सिलसिला मेरा जारी रहेगा, अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है और चेन्नई हम पहुंचेंगे, तब तक के लिए आबाद शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।